ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के वनडे क्रिकेट से संन्यास के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उन्होंने टेस्ट से भी संन्यास का ऐलान किया था। हालांकि अपने संन्यास के बाद डेविड वॉर्नर ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता का संकेत भी दिया था। हालांकि वॉर्नर ने चैंपियंस ट्रॉफी में संभावित वापसी का संकेत देते हुए वनडे में अपनी वापसी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। अपने संन्यास की घोषणा करते समय जर्नलिस्ट से बात करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा कि अगर वह अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और 2 साल दूर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनकी जरूरत होगी तो वह उपलब्ध रहेंगे। वॉर्नर ने कहा कि मुझे पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और अगर मैं 2 साल बाद भी अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ और उन्हें किसी की जरूरत होती है तो मैं उपलब्ध रहूँगा। डेविड वॉर्नर ने अपने 14 साल के करियर में 161 मैच खेले जिसमें 45 की औसत से 6,932 रन बनाए। अपने वनडे करियर में वॉर्नर ने 22 शतक और 33 अर्धशतक जड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 733 चौके और 130 छक्के लगाए हैं। वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज हैं। भारत के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला वॉर्नर के करियर का आखिरी वनडे मुकाबला रहेगा।